अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन में भीषण गर्मी में बिजली कटौती व विभिन्न समस्याओं को लेकर मासिक पंचायत। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि इस भीषण गर्मी में लगातार जिस तरह बिजली की कटौती हो रही है, जिसके कारण किसान अपने खेतों की सिंचाई ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक चक रोड पर कब्जे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पंचायत की बैठक में विरोध दर्ज कराया। किसान नेता ने बताया कि उक्त मामले को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है और उचित कार्यवाही की मांग की गई है। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। मांगे पूरी हो, मांगे पूरी नहीं हुई तो, मांगे पूरी नहीं हुई तो जो जुल्म के चक्कर में दाता है, सालन का दाता है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जो न माने बातों से, जो न माने बातों से हमारी मांगे पूरी हो, मांगे पूरी नहीं हुई तो। हम ग्राम निवासी इटौरा गांव के हैं। हमारी समस्या है कि क्या कहते हैं, हमारे वहाँ के चक्रोट है, चक्रोट में नाली जबरदस्ती वहाँ से निकाल रहे हैं और हम लोगों ने दरख्वास्त दी है इस डीएम साहब को। उन्होंने हमारी दरख्वास्त ली है और हमको आश्वासन दिया है कि हम आपकी नाली रुकवा देंगे और रास्ता चक्रोट निकलवा देंगे उसमें से। ये आश्वासन हम लोगों को दिया है। हम भारतीय किसान यूनियन और हमारा नाम निर्मला है और जिला अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष हैं हम। हर महीने की भांत हर महीने की पंद्रह तारीख को तहसील की मीटिंग होती है। पंचायत जो है पूर की भांत आज जो है लगाई गई थी। इसमें जो है तीन चार समस्याएं दी गई हैं। हम लोग आज इसमें देख रहे हैं बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी गर्मी, भीषण गर्मी के होते हुए विद्युत इतना ज़्यादा कम हो रही, ना तो सिंचाई हो पा रही समय से और ना तो जो है हवा मिल रही है। बेचैनी से सारे लोग, सारे किसान परेशान हैं। इस स्थिति में जो है हम लोग बिजली की समस्या पहले नंबर पर रखे हैं। दूसरे नंबर पर एक जो है यहाँ के हैं इटे जो है कि एक चक्रोट है, उस पर दबंग लोगों ने कुछ मकान बना लिए हैं और जो बचे हुए शेष रास्ता किसी तरीके से दो ढाई फुट से जाते भी हैं, उसमें भी नाली बना करके रास्ते को अवरोध करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने दरख्वास्त दिया है कि जो है उसका जो है रास्ते को कंप्लीट खाली कराया जाए, इसके बाद ही उसमें नाली वाली बना सकते हैं। नहीं तो नाली ना बनाएँ और पहले रास्ते को जाँच करके खाली करवाएँ। इन सभी मामलों को लेकर चार सूत्रीय ज्ञापन है हमारा। इसको लेकर के आज पंचायत की गई और एसडीएम सदर को इसका ज्ञापन दिया गया। नहीं, आश्वासन मिला कि आपकी जो है नाली नहीं बनेगी, रास्ता खाली होगा। आगे जो है आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। हम लोग जो भी हो सकेगा अपने साथ अगली कार्यवाही के लिए अगला कदम जो है सोच विचार के उठाएंगे। डॉक्टर रामजन वर्मा, जिला प्रभारी।